जी हाँ, आप अपने कर्मास पर विश्वास करिए। कैसे हैं आप? राधे रानी की जय, कन्हैया की जय, श्री कृष्ण की जय। एक बार और एक वीडियो लेकर राधा रानी की मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आज बात मोह रात्रि रात 12 बजे क्या उपाय करें। किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया और कहा, राखी जी, हमारी माँ कहती थी रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी की रात ऐसे उपाय करे जा सकते हैं कि जिंदगी ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे हो जाती है। कृष्ण के जन्म से हमें सुख मिलना चाहिए, कोरोना की दवाई मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात तो और भी है ना, गीता में उन्होंने कहा है, जैसे तू भाव करेगा वैसे ही मैं तुझे फल दूंगा। तो वो फलों के देवता हैं, फलों को जो हम कर्म करते हैं वैसे फल वो देते हैं, और ऊपर से फलों का हिसाब करने, हमारे कर्मों का हिसाब करने के लिए शनिदेव वैसे ही मकर राशि में 30 साल बाद गोचर कर रहे हैं, वो भी हमारे कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। जहां साइकिल एक नहीं बिकती थी, वहां लाखों करोड़ों का साइकिल का बिजनेस हो रहा है। जहां लोग अपने घर से बाहर गाड़ी के बिना नहीं चलते थे, आज लोग ऑफिस भी साइकिल से जाना पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण का चक्कर घूमा और विष्णु चक्र घुमाकर हमें कभी कभी नहीं लगता कि पुरानी दुनिया के थोड़े से आसपास हम फिर से पहुंच गए हैं। चलिए मैं आपको बताती हूं, भगवान के ठीक रात्रि 12 बजे जन्म लेने पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। फिर ऐसा क्यों है कि अगले दिन स्कूलों की छुट्टी क्यों नहीं होती? कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तो बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए, फैंसी कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, और रात्रि भर बच्चे जागकर डांडिया खेलें, डांस करें और कृष्ण जन्माष्टमी में भक्ति भाव करें, अगले दिन छुट्टी होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ऐसा सोचती हूँ। भगवान 16 कला संपन्न है और 16 कला संपन्न ही चंद्रमा है, उनके बाद अगर कोई है तो वो कृष्ण जी ही हैं। 16 कला संपन्न भगवान कृष्ण आपको संतान देते हैं, आपके जीवन में प्रेम लाते हैं, आपको लक्ष्मी देते हैं, आपको वैभव देते हैं, आपको धन देते हैं, आपको राजनीति सिखाते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें इन्हें पसंद है, जैसे इन्हें मक्खन पसंद है, इन्हें मिश्री पसंद है, इन्हें मोरपंख पसंद है, इन्हें खीरा पसंद है, इन्हें बांसुरी पसंद है, इन्हें विष्णु चक्र बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हें पेड़ पौधे, तुलसी बेहद ज़्यादा पसंद है। तुलसी की बात किए बिना तो कृष्ण जन्माष्टमी संपूर्ण नहीं हो सकती। आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन पहली बात तो ये मोह रात्रि सोने की रात्रि नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर होगा जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात को सोता होगा, क्योंकि अगर कृष्ण जन्माष्टमी की रात पूरी जागकर सिद्धियां प्राप्त करी जाएं, पाठ पूजा की जाए, रात्रि जागरण किया जाए, भगवान को मनाया जाए, पूजा अर्पण किया जाए, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपकी छठी इंद्री खुल जाती है। रात्रि भर आपको गीता का पाठ करना चाहिए, आपको रात्रि भर राधे राधे लिखना चाहिए या राधे राधे बोलना चाहिए। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की रात पूरी रात चंदन के पाउडर या चंदन की लकड़ी या चंदन के पेड़ की छाल से हवन करना चाहिए। रात्रि जागरण कर सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना चाहिए, और स्नान करके फिर मंदिर जाकर भगवान को उठाकर स्नान कराकर उन्हें एक मोर पंख भेंट स्वरूप देकर मक्खन मिश्री का भोग लगाकर फिर जाकर सोना चाहिए। रात्रि भर आपको भगवान को पीली सरसों अर्पण करनी चाहिए और भगवान के सामने राधा रानी का नाम लेना चाहिए, भगवान के मंत्र उच्चारण करने चाहिए। रात्रि जागरण अगर किसी तबीयत खराब होने से आप ना भी कर पाए तो रात्रि दोपहर मतलब जब भगवान का जन्म होता है उससे पहले 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक जितनी पूजा पाठ जागरण भक्ति भागवत गीता आप पढ़ सकते हैं वो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान के सामने बैठकर माला फेरनी चाहिए, और ये माला अगर चंदन की माला हो तो बेहद ज़्यादा फलदायक साबित होता है, और अगर ये माला वैजयंती की माला हो तो बेहद अच्छा होता है। इस पर राधा रानी का नाम जपने से ये रात्रि में वो माला जो है, जो आपने गले में पहन रखी है या जिस पर आप जाप कर रहे हैं, वो अभिमंत्रित हो जाती है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि रात्रि 12 बजे 4 ही ऐसी रात्रि है जिनमें उपाय किया जाता है। एक दिवाली की रात को, एक होली की रात को, एक शिवरात्रि की रात को, महाशिवरात्रि की रात को, और एक कृष्ण जन्माष्टमी की रात को। तो इसे सोने में बर्बाद ना कर पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। 2-3 सहेलियों को एक ही घर में इकट्ठा हो जाना चाहिए। लॉकडाउन का पालन करें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं, और फिर भगवान के भजन अर्चना पूजा की जाए तो आपको बेहद फल मिलता है। रात्रि 12 बजे स्नान कर फिर भगवान का जन्म खीरे में चीरा मार कर एक सिक्के से उनका जन्म कर भजन कर उन्हें स्नान कर नए कपड़े पहनाकर काजल लगाकर मोर पंख देकर फिर आपको भगवान को मनाना चाहिए, और पहले आपको खुद स्नान करना चाहिए। 11 कौड़ियां अपने पास रात्रि भर रखकर और आपको लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ या लक्ष्मी कनक धारा स्रोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर इन 11 कौड़ियों को सुबह 4 बजे आपको अपने घर की तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में कुछ पैसों के साथ, कुछ सिक्कों के साथ रख देना चाहिए।
आपको कृष्ण चालीसा पूरी रात पढ़नी चाहिए। आपको अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो रात्रि 12 बजे शंख में भगवान का जन्म होने के बाद पानी भरकर रख दें और इस पानी को सुबह उठकर नहा धोकर 4 बजे पी लें और अपने पति को भी पिला दें, तो निश्चित ही इस मोह रात्रि में अगली कृष्ण जन्माष्टमी तक आपको ना केवल संतान की प्राप्ति होगी, आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। इस खूबसूरत रात्रि को सोने में बर्बाद मत कीजिएगा। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां हम एक सीरीज बना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, जहां हम कृष्ण से जुड़े हुए खास उपाय, अचूक उपाय बता रहे हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कृष्ण को छोटी छोटी चीजें पसंद है। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन सुबह भी होता है विशेष उपाय। अगले दिन सुबह कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन एक टोकरी ले लें आप बांस की बनी हुई, उसमें कुछ मक्खन, कुछ मिश्री छोटी छोटी कटोरियों में रखकर, थोड़े से मोरपंख, थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी बांसुरी, काजल और भगवान के श्रृंगार का कुछ सामान रखकर, राधा रानी की चूड़ियां रखकर और कुछ पैसे रखकर दक्षिणा के साथ आपको श्री कृष्ण के चरणों में और मंदिर में रखकर आना चाहिए और भगवान को भेंट स्वरूप देना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है। उम्मीद करती हूँ मोह रात्रि रात 12 बजे कृष्ण को मनाए कैसे, आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में सिर्फ लिखिएगा राधे राधे, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायराखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।